बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की रेसिपी जो हम शुरू कर रहे हैं, आज हम बना रहे हैं आलू की पूरियाँ। आलू की पूरी, इसके लिए सबसे पहले तो मैंने लिया है 2 कप फाइन आटा, ठीक है। इसके साथ मेरे पास ये बॉयल है, मेरे पास आलू हुए थे और मैंने उनको मैश कर लिया, और ये मेरे पास 1 कप है। साथ में इसमें मैंने लिए हरा धनिया, चॉप्ड हरा धनिया, इसमें 2 खाने के चम्मच हरा धनिया जाएगा। ये है मेरे पास पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और ये है 1 टीस्पून। साथ में इसमें मेरे पास प्याज है चॉप, ये ले लीजिए आप, एक छोटी प्याज दरमियानी साइज की ले लीजिए, उसको चॉप कर लें। इसके अलावा इसमें है जाएगा ऑयल, और इसमें जाएगा नमक हसबे जायका, इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर, ये हम ऐड करेंगे। अजवाइन है इसमें 1, ये हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और ये है ज़ीरा, और ज़ीरा 1 टीस्पून है, धनिया 1 टीस्पून है, इसके अलावा हल्दी पाउडर ये 1/2 टीस्पून है, ठीक है। इस फाइन जो आटा था मेरे पास, इसमें मैं डाल रही हूँ तमाम चीज़ें, ठीक है, अजवाइन, ज़ीरा, धनिया, हल्दी और रेड चिली पाउडर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, प्याज, ऑयल, और साथ में ये जो मेरे पास मैश आलू थे वो। हम कर लेंगे मिक्स। इसको हम कर लेंगे मिक्स। सही से इसको आप जो आटे में फाइन मैंने आटा लिया था उसमें मिक्स कर लें। मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। और हम इसको गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और उसको गूंदते रहें। ये देख लीजिए, मैंने आटा इसका गूंद लिया है, और इसकी हम छोटी छोटी सी पूरियां बनाएंगे, ठीक है। कम मिक्सचर लीजिए हाथ में, गोल सा पेड़ा बना लें छोटा सा बिल्कुल। इसको हम बेल लेंगे। सारे मैं इस तरीके से अब बेल लूँगी, इसी साइज़ की हम सारी पूरियाँ बना लेंगे। तेल अच्छी तरीके से गरम कर लें, और जो मैंने पूरियाँ बना ली थी इसको आप डाल दें। हम फ्राई कर लेंगे।
इसको मैं अच्छे से जो है फ्राई कर रही हूँ और इसको अब हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से मैं डाल दूंगी इसमें दूसरा तरीके से मैं सारे इनको फ्राई कर लूंगी। ये देख लीजिए जो आज की हमारी रेसिपी थी आलू की पूरियाँ, ये बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ मैंने बनाया है रायता। इसकी जो ग्रीन चटनी थी, ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी और मैंने इसको दही में थोड़ा मिला के नमक के साथ इसको मैंने रायता बनाया है। इसको मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया पुदीने के साथ पीस के और उसको दही के अंदर मिलाया था और चटनी रेडी है, ठीक है, इसके साथ। और उसके बाद मैंने उसको दही में मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये मैं रायता है। और इसके साथ जो मैंने पूरी बनाई है ये इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा। ऐसे भी रमज़ान चल रहे हैं तो आप रमज़ान में इसको अफ्तारी में बना सकते हैं और नॉर्मल रूटीन्स में आप इसको शाम के साथ जो हम टी टाइम होता है उसको भी चाय के साथ सर्व भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।